हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससीयर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं कि जो एचसीएफ और एलसीएम है वो फ्रैक्शन नंबर का कैसे निकालते हैं, वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट यहां पर जो आईटी बार है यहां पर जाके मेरे पुराने जो जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोज है वो आप देख सकते हैं। काफी अच्छा टॉपिक मैंने यहां पर अपलोड किया है। और स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट। काफी अच्छा काम मैं इस पर कर रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए एलसीएम HCF of the fraction, स्टूडेंट यहां पे देखिए the fraction are written in the form of स्टूडेंट क्या होता है denominator, numerator upon denominator, right? Where denominator is not equal to zero. Student, denominator जो है वो क्या होना चाहिए, not equal to zero होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं आपके सामने example देता हूं, right? हमने ये तो पता करा 4, 9 and 12, हमें ये पता है कि इसका LCM कैसे निकालते हैं। पर स्टूडेंट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 17, आपसे ये पूछा जाए कि भैया अब इसका LCM निकालो, राइट, या फिर इससे ऐसे नंबर का आप HCF निकालो। तो ये जो फ्रैक्शंस होते हैं इनका हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, राइट। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम HCF की, राइट। तो स्टूडेंट HCF द फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट HCF ऑफ द फ्रैक्शन में क्या होता है, जो भी हमारे पास न्यूमरेटर है उसका हम HCF निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकालेंगे, हम LCM निकालेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आपसे बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला। स्टूडेंट देखिए LCM ऑफ दिस नंबर, राइट। तो हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, HCF ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू, आपको क्या करना है यहाँ पे, HCF ऑफ क्या आएगा, HCF ऑफ जो न्यूमरेटर है कितना है 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा LCM ऑफ 2, 3, 7, राइट। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो 1, 2, 3, तो जब भी हम HCF निकालते हैं सबसे छोटा नंबर देखते हैं, क्या छोटा नंबर 2 को भी डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल करता है, क्या 3 को भी डिवाइड करता है, बिल्कुल, 1, 2 को भी डिवाइड करता है और 3 को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट LCM, LCM में क्या करते हैं, बड़ा वाला नंबर पकड़ते हैं स्टूडेंट। LCM और HCF पे वीडियोज यहाँ आईटी पे जाके एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या 7 को 2 और 3 डिवाइड करता है, बिल्कुल जी नहीं करता है, है ना। तो हम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हमें इसके मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे, राइट। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2, 3 और 7 तीनों ही प्राइम नंबर है और जब भी तीनों प्राइम नंबर होते हैं तो उसका जो मल्टीपल होता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है, राइट। तो स्टूडेंट यहां पे जो इसका HCF आएगा वो कितना आएगा, 1/42 आएगा, है ना। तो यहां पे क्या आएगा, ये इसका आंसर आएगा, राइट। जब भी प्राइम नंबर होता है तीनों मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ट्रिक है ना। स्टूडेंट बात करेंगे HCF इसके, है ना। तो स्टूडेंट HCF क्या आएगा इसका, मैंने बताया था आपको HCF ऑफ क्या आएगा यहाँ पे 3, 6 and 9 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा LCM, स्टूडेंट LCM किसका आएगा 5, 15 and 21, क्लियर है जी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम जानते हैं HCF क्या होगा, क्या छोटा नंबर इन तीनों दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल जी कर रहा है, 3, 6, 9, 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 3, 9 को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो HCF कैसा आएगा इसका, 3 आएगा, तो HCF तो 3 आ गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट LCM की, स्टूडेंट LCM के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि 21 है, ये 21 का मल्टीपल ऐसा लिखो कि जो इसको 5 भी डिवाइड करे और 15 भी डिवाइड करे। तो सुनिए यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देता हूँ कि 5, 15 and 21 इसका मैं LCM आपको यहाँ बता रहा हूँ, राइट। स्टूडेंट 5, 15 को डिवाइड करता है, भूल जाए वो इसको, जब ये इसको डिवाइड करा तो इसको भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं। अब इन दोनों का LCM निकालेंगे, राइट, है ना। इन दोनों का जो LCM होगा वो इन तीनों नंबर का LCM होगा, क्लियर है। तो हम देखिए इन तीनों नंबर को कौन यहाँ पर डिवाइड करता है, देखो इसको डिवाइड करता है 3, है ना, 3 इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ कितना आएगा 5 और 3 इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ कितना आएगा 7। तो इसका जो LCM आएगा उसमें 3 तो आ ही जाएगा, राइट। और ये प्राइम नंबर है तो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 35, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसका LCM आएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 105। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 105, इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा 1/35। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे और ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट कभी आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि 1/12 and 3:1/2, आपको इसका पूछे कि इसका LCM क्या होगा, राइट, सॉरी इसका जो HCF होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको HCF पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है यार, क्या करेंगे यहाँ पे इसका LCM ले, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो, क्या आएगा 2, 2 1 2 and 2 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3/2 और ये कितना आएगा हमारे पास 2, 6 and then 7/2, राइट। अब ये आपको इसका HCF पूछा जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे, HCF ऑफ कितना आएगा 3, 7 एंड LCM ऑफ क्या आएगा स्टूडेंट 2, 2, राइट। हम जानते हैं इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 और 7 है ना, तो यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं, दोनों प्राइम नंबर, इस वाले केस में इसका जो HCF होगा कितना होगा 1 और इसका LCM कितना होगा 1/2, तो यहाँ पे ये 2 आएगा तो 1/2 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग यहाँ पे,
अब बात करते हैं स्टूडेंट एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस। देखो मैंने अभी आपको एचसीएफ बताया था, बात करेंगे एलसीएम। देखो दोनों के फार्मूले में डिफरेंस समझ लीजिए। जब भी एलसीएम पूछा जाता है तो एलसीएम ऊपर आता है, नीचे एचसीएफ आता है, ध्यान देने की जरूरत है। और जब आपको पूछा जाता है कि एचसीएफ, तो स्टूडेंट एचसीएफ में एचसीएफ ऊपर आता है और एलसीएम, देखो एचसीएफ में एचसीएफ ऊपर आएगा और एलसीएम में एलसीएम ऊपर आएगा। समझ में रखा नहीं आ रहा, याद रखने का तरीका, राइट, है ना। और एचसीएफ तो ये एलसीएम ऊपर आया तो एचसीएफ नीचे आएगा, और अगर HCF है तो HCF ऊपर आएगा, LCM नीचे आएगा, तो याद रखने का तरीका, राइट। तो स्टूडेंट आपको ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द LCM ऑफ दिस, तो LCM क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, LCM ऑफ क्या करेंगे 1, 2, 3 एंड देन यहाँ पे क्या निकालेंगे स्टूडेंट हम HCF निकालेंगे, राइट। HCF क्या आएगा 2, 3, 7, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए आप क्या आएगा इसका LCM, स्टूडेंट इसका LCM क्या आता है जान, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लीजिए, बड़े नंबर को क्या 1 और 2 डिवाइड करता नहीं करता है, इसका मल्टीपल ले लीजिए 6, 3 का मल्टीपल कितना होगा 6, क्या 6 को 1 और 2 डिवाइड करता है, बिल्कुल जी करता है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। इसमें एचसीएफ तीनों प्राइम नंबर है, 2, 3, 7 तीनों क्या है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, एक्चुअली एचसीएफ है, दिस इज एचसीएफ, राइट। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 6/1। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए आप कैसे निकालेंगे एलसीएम, क्या करेंगे स्टूडेंट एलसीएम ऑफ क्या आएगा यहाँ पे 4, 6, 12 एंड डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा एचसीएफ ऑफ कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 45, 15 एंड 21, राइट। स्टूडेंट देखिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर पकड़ लीजिए 12, क्या 12 को 4 डिवाइड करता है, बिल्कुल जी करता है, 6 डिवाइड करता है, बिल्कुल जी करता है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 12 होगा। स्टूडेंट एचसीएफ में क्या करता है सबसे छोटा नंबर पकड़ता है, क्या 15 इन दोनों को डिवाइड करता है नहीं करता है, क्या 15 का फैक्टर क्या लेंगे 5, है ना, क्या आएगा 5 आएगा, क्या 5 इन दोनों को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता है, क्या इसको करता है पर इसको नहीं करता, 3, क्या 3 इन दोनों को डिवाइड करता है, बिल्कुल जी, उसको भी करता है इसको भी करता है, इसका एचसीएफ कितना आएगा 3 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, द 3 रनर ए बी सी रन अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर एंड 13 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट यहाँ पे तीन जो सर्कुलर पाथ है उसमें 3 बंदे क्या कर रहे हैं दौड़ रहे हैं, क्लियर है, और जो सर्कुलर पाथ है उसकी जो लेंथ है वो कितना देखिए 12 किलोमीटर। स्टूडेंट यहाँ पे एक जो चल रहा है वो 3 किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तीसरा जो है वो 13 किलोमीटर आवर की स्पीड चल रहा है। दे स्टार्ट देयर रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट, स्टूडेंट तीनों सेम पॉइंट से रेस स्टार्ट करता है एंड द सेम डेस्टिनेशन, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन। स्टूडेंट देखो एक की स्पीड कम, दो की स्पीड मतलब तीनों की स्पीड आप देख रहे हैं तो बिल्कुल डिफरेंस है उन तीनों की स्पीड में, तो स्टूडेंट किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। तो आपको ये पता लगाना है कि कितने टाइम के बाद वो तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस करेंगे। पर स्टूडेंट यहाँ पे हमें दे रखा है स्पीड और डिस्टेंस दे रखा है, तो इसमें हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम आपको टाइम निकालना होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा स्पीड। स्टूडेंट डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमारे पास यहाँ पे 12 दे रखी है और 12 दे रखी है हमें, हमारे पास फर्स्ट की ये ए है, ये बी है और ये सी है। स्टूडेंट यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका टाइम कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई 3 12 बाई 3, ए का कितना टाइम में कवर करेगा स्टूडेंट, इसका आएगा 12/7 और इसका आएगा हमारे पास 12/13, राइट। मतलब ये इतने टाइम में कवर करेगा, ये इतने टाइम में कवर करेगा, ये इतने टाइम में कवर करेगा। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे निकालना है कितने टाइम बाद वो मिलेगा, तो स्टूडेंट ऐसा कंसेप्ट में हमें क्या करना पड़ेगा इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम ऑफ किसका निकालना है स्टूडेंट यहाँ पे, एलसीएम ऑफ हमें निकालना है 12, 3 एंड 12/7 एंड 12/13। जब भी ऐसा करना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम ऑफ 12, 12, 12 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा देखो HCF ऑफ यहाँ आएगा 3, 7, 13। स्टूडेंट हम जानते हैं इसका जो LCM आएगा चूंकि कॉमन एलिमेंट है तो इसका LCM 12 ही आएगा, और HCF स्टूडेंट तीनों प्राइम नंबर है तो हमारे पास इसका जो HCF आता है वो कितना आता है 1 आता है। इसका मतलब तीनों आपस में कितने स्पीड बाद कवर करेंगे 12 किलोमीटर के बाद ये तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे मिट करेंगे मतलब मिलेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट समझाया कि कैसे हम यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, तो स्टूडेंट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा, इसकी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट है या केट है या लाइक आप CSIR नेट है या लाइक आप SSC है या कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरा जो वीडियोस हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जाके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ये मेरी जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, स्टूडेंट ये मेरे इंजीनियरिंग और BSc से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, ये मेरा चैनल है जो जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ, और स्टूडेंट ये मेरा मेन चैनल जहाँ पर BSc और इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बाय बाय।